नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं आपको परशुराम जन्म स्थली के दर्शन कराऊंगा, जहां पर परशुराम जी का जन्म हुआ था। ये वही परशुराम जब रामायण में सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष तोड़ा था, तभी शिव का धनुष टूटते ही परशुराम जी वहां पर पहुंचे और लक्ष्मण से संवाद हुआ। ये वही परशुराम जी हैं। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर जिले के तहसील जलालाबाद में परशुराम जन्मभूमि स्थित है। यहाँ परशुराम जी महाराज के दर्शन करने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहीं पर बड़ा तालाब है जिसमें परशुराम जी स्नान करते थे, और मंदिर की भव्य भव्यता तालाब को देखिए नज़र डालिए। ये वहाँ के संत स्वामी हैं। जब मैंने इनसे पूछा ये मंदिर कितना पुराना है, तो बाबा का कहना है कि ये मुझे भी नहीं मालूम मंदिर कितना पुराना है। लगभग अनुमान लगाया जाता है इसका लगभग 9,500 वर्ष के आसपास ये मंदिर पुराना है। देखिए इस मंदिर की भव्यता दर्शाती है, जो सच्चे मन से जाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। इसी क्षण में अगर कोई जाए तो ये मंदिर नहीं खुलेगा। टाइमिंग का ये पाबंद मंदिर है, टाइमिंग है इसकी 12 से 4 बजे के बीच। जो भी जाना चाहे तो 12 से पहले या 4 के बाद में जाए, शाम को 4 से 10 तक खुला रहता है ये मंदिर। बोलो परशुराम बाबा की जय। मंदिर जलालाबाद में स्थित है। यहाँ बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ कि जब यहाँ आप पहुँचोगे तो आपको मन में बहुत ही शांति मिलेगी। ये भव्य मंदिर है परशुराम जन्म स्थली। जो लोग कहते हैं परशुराम जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, लोगों का कहना है कि परशुराम जी का जन्म यहीं जलालाबाद में हुआ था। ये आपको बताते चले, जलालाबाद उत्तर प्रदेश में जनपद है शाहजहानपुर। शाहजहानपुर में एक तहसील है जलालाबाद, नगर जलालाबाद, नगर पालिका जलालाबाद, वहीं पर स्थित है। नगर में ही भगवान परशुराम जी का मंदिर। यहाँ अनेकों मंदिर हैं परशुराम जी के जन्मस्थली पर। यहाँ भव्य नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार जो लोग आना चाहते हैं वो आए। एड्रेस उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर तहसील जलालाबाद में परशुराम जी का जन्म स्थल है। और यहाँ आप आइए, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। कहा जाता है परशुराम बाबा बहुत ही गुस्सेबाज थे। इन्होंने अपनी माँ का कई बार सिर काट दिया था, और ये बहुत ही महान पुरुष थे। गुफाओं में तपस्या करते थे। भगवान शिव ने इन्हें फरसा प्रदान किया था। जब शिव का धनुष टूटते ही इन्हें गुस्सा क्रोधित आ गया, ये किसने तोड़ा है। देखिए